भाई मैं फिलहाल अभी हूँ कोलकाता दुर्गा पूजा कार्निवल फेस्टिवल 2023। तो यहाँ पे आने के लिए आपको जो पास मिलेगा वो कैसे मिलेगा उसका सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगा। आप लोग इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और अभी हम लोग आ चुके हैं दुर्गा पूजा कार्निवल फेस्टिवल में, जो कि हमारे रेड रोड में होने वाला है और वो होने वाला है 27 तारीख को। तो भाई आप लोगों को जो कार्निवल फेस्टिवल है दुर्गा पूजा का, टॉप 10 दुर्गा पूजा इस रेड रोड में लेके आया जाएगा और यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो टॉप 10 दुर्गा पूजा के बारे में और कार्निवल फेस्टिवल के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए आपको सारा डिटेल बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग सीधा चलते हैं रेड रोड, और रेड रोड में आपको जो कार्निवल फेस्टिवल हो रहा है उसके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे सामने देख सकते हैं यही है हमारा रेड रोड, ये जो देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं अभी फिलहाल ये आपको चेयर के लिए रेडी किया जा रहा है। इस पर पूरा चेयर को बैठाया जाएगा। और भाई ये रेड रोड है, मैं आपको मेन से दिखाता हूँ। और इसी पे जगह पे इस तरफ से हमारा टॉप 10 दुर्गा पूजा पंडाल जो रहेगा वो इसी तरफ से आएगा। टॉप 10 दुर्गा पूजा का मूर्ति इस तरफ से एंट्रेंस रहेगा, और इस तरफ बाबू घाट है हमारा, इस तरफ बाबू घाट का तरफ चला जाएगा। और ये आपको नया लगा दिया गया है फिलहाल, ताकि कोई जो पब्लिक रहेगा मतलब जो आगे नहीं आएगा। और भाई मतलब पूरा लोहा लगेगा और इसका ऊपर में वो रहेगा, शायद बांस लगाया जाएगा शायद, और नहीं भी लगा सकते हैं, पता नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं पता करते। और आपको तो अभी जो मेरे सामने देख पा रहे हैं भाई, तो यहाँ पे आपको सिर्फ VIP लोग जो बैठने का इसके पास पास रहेगा वही आप लोगों को बैठ के देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ सामने देख सकते हैं बैनर लगा हुआ हमारे, और हमारे जो CM ममता बनर्जी हैं उनका फ़ोटो दिया हुआ है, और जो दुर्गा पूजा का जो मूर्ति का फ़ोटो रहता है वो कुछ कुछ फ़ोटो दिया हुआ है सामने में देख सकते हैं अभी फिलहाल। और मुझे दोस्तों ये पता नहीं चला इसका टाइमिंग क्या रहेगा, कैसा क्या रहेगा, उसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं मिला है, वो सामने देख सकते हैं। बट मैं बता दूँ इस जगह का एड्रेस है आपका रेड रोड, ये पूरा रेड रोड में होगा, जिस जो रेड रोड में जो परेड होता है उसमें होगा। यहाँ पर 27 तारीख को, मैं आपको दोबारा बता दूँ 27 तारीख को होगा। कितना बजे होगा, कितने बजे स्टार्ट होगा, वो भी आपको डिटेल्स इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहना। और इस तरफ देख पा रहे हैं यहाँ पूरा कुर्सी बैठा दिया जाएगा, इस तरफ कुर्सी रहेगा और उस तरफ कुर्सी रहेगा, उस तरफ देख सकते हैं उस तरफ कुर्सी आ चुका है सामने, और ये चारों तरफ से गाड़ी आ रहा है अभी फ़िलहाल, और उस दिन गाड़ी चारों बंद कर दिया जाएगा भाई। तो अभी फ़िलहाल ये देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे VIP लोगों के लिए AC लगा हुआ है भाई, ये देखिए AC लगा दिया है, और ये डब्बा है, स्पीकर है, ताकि आपको जो ऑडियो बोला जाएगा वो पूरा क्लियर सुनाया जाएगा। और यहाँ पे कुछ ना 3D डिस्प्ले उसको रेडी किया जा रहा है, वो 3D डिस्प्ले रहेगा, मतलब जो इस पर TV के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं सामने। तो मैं अभी फ़िलहाल फुल एंड फाइनल जो हमारा मेन दुर्गा पूजा का फेस्टिवल, जो दुर्गा पूजा कार्निवल्स होगा उसका जो मेन, मतलब जहाँ पे हमारे CM ममता बनर्जी जहाँ पर आकर वो विराजमान होंगे, जिस जगह पर बैठेंगे, मैं उसी जगह पर आ चुका हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ हमारे सामने दुर्गा पूजा कार्निवल्स फेस्टिवल 2023, और इस तरफ पूरा लिखा हुआ है बंगाली में, पूरा रेडी हो चुका है। और यहीं पर हमारे ममता बनर्जी जो CM रहेंगे वो इसी जगह बैठ के रहेंगे इस तरफ, और जो आम जनता रहेगा वो उस तरफ बैठ के रहेगा कुर्सी में। मतलब ये पूरा रेड रोड को पूरा अच्छे से कवर कर लिया जाएगा, ये पूरा वहाँ से एंट्रेंस है इसका, वहाँ से पूजा सब स्टार्ट होगा। और इस तरफ है हमारा बाबू घाट, और सभी पूजा जो है बाबू घाट की तरफ चले जाएंगे। और वहाँ पे देख सकते हैं हमारे, वहाँ पे पंडाल का मतलब तैयारी चल रहा है, और इधर लाइटिंग देख सकते हैं, लाइटिंग का प्रिपरेशन चल रहा है। और मतलब ये कार्निवल्स इस बार काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग लेवल में होगा, क्योंकि 2022 में भी हुआ था, बट हम लोग को एंट्री नहीं मिलता यहाँ पर। तो मैं एंट्री से पहले आपको प्रिपरेशन दिखा दूँ, ये देख सकते हैं इसका। तो भाई अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चला है कि ये जो कार्निवल फेस्टिवल है इसका जो पास, वो पास कैसे मिलता है। तो पास दोस्तों आपको 3 तरीका से मिल सकता है। नंबर 1, आप किसी अगर गवर्नमेंट ऑफिस में हैं तब आपको वहाँ से पास मिल सकता है। दूसरा, जो 99 है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 99 जो भाई गवर्नर, बहुत ही ज़्यादा बड़ा गवर्नमेंट उधर ऑफिस है, तो आपको 99 से मिल सकता है। और तीसरा भाई, पूजा कमेटी,
पूजा कमेटी उसी से मिलेगा जो यहाँ पे अलाव है, जिसको अलाव कर दिया, परमिशन कर दिया गया है। तो आपको ये पता चलेगा कि आपको इसका पास कहाँ से मिल सकता है। तो यही दोस्तों इसका पास का इन्फॉर्मेशन था, जो कि मैं इसको आपको बताना पता नहीं था। और हाँ, एक चीज़ और है, अब इसको बोलते हैं कि आपको यहाँ से कितना बजे आना मिलेगा। तो मैं बताऊँ दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 बजे से शुरू हो जाएगा, तो आपको 3 बजे यहाँ पर इंटर कर जाना पड़ेगा। अगर आपके पास पास है तो आपको 3 बजे यहाँ पर आ जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा पास लेने का। अब सबसे बड़ी मेन बात क्या है कि आपको सबसे मेन ज़्यादा जहाँ ज़रूरी है कि आप लोग जो दुर्गा पूजा कार्निवल फेस्टिवल है, आप लोग यहाँ पे आएंगे कैसे। सबसे पहले मैं बता दूँ, इसके बगल में ही बाबूघाट जो बस स्टॉपेज है वो है, इसके बगल में ही धर्मतला जो बस स्टॉपेज है वो है, और इसके नियरेस्ट सबसे ज़्यादा है पार्क स्ट्रीट मेट्रो। आपका जो नियरेस्ट है वो पार्क स्ट्रीट मेट्रो है। आप म्यूज़ियम गेट नंबर 1 से निकलिए और उसके जो ऑपोजिट वाला रास्ता है उसको पड़े एकदम स्ट्रेट आइए, और वहाँ सामने देखिए ईडन गार्डन के जस्ट सामने ही ये वाला रेड रोड है, और वहीं पे हो रहा है हमारा 2023 का दुर्गा पूजा कार्निवल फेस्टिवल, जो कि इस बार टॉप 10 दुर्गा पूजा जो भी रहेगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इस बार मतलब एक अलग लेवल रहेगा, और आई होप अगर हम लोग को यहाँ पर एंटर करने दिया जाएगा, हम लोग को मौका मिलेगा, तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। और आप लोगों को जो दुर्गा पूजा है उसको मैं आपको आई होप अच्छे, यहाँ पे जो शुरू किया गया था वो लगभग मतलब सुबह में नहीं 12 से 1 से स्टार्ट हो गया था, मतलब लगभग 12 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो एंट्री दिया जाएगा वो लगभग सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, कि आप लोग 10 बजे से यहाँ पर एंटर करना शुरू कर देंगे। तो आई होप दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कुछ भी, अगर कुछ भी जानकारी मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको जो दुर्गा पूजा कार्निवल फेस्टिवल से कुछ भी रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपको कोई भी रूट चाहिए वो रूट भी बता दिया जाएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।